हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह। आज हम लोग बात करेंगे बिडिंग के बारे में। बिड्स आप देख रहे हैं और बिड्स का बहुत यूज है। आप मतलब किसी सेंटर में या कहीं आजकल तो यूट्यूब में भी देख करके बिड्स को सब पहचानने लगे हैं कि बिड्स से कुछ तो फ़ायदा है बच्चे को। तो बिड्स से बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो बिड्स से देखिए, सबसे पहले तो बिड्स बैठ के बच्चा कहीं भी डाले या रखे या कैसे उसको यूज करना है, ये आज बताऊंगी किस किस वे में। अगर सबसे इनिशियल स्टेज है बच्चे की, सबसे पहले आप बिडिंग कराने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमेशा धागा के साथ एक बिड्स का वो लच्छा मिलता है। तो का आप ऐसा ना सोचें कि हमको मतलब कि धागे में ही बिड्स डालना है। हमको सबसे पहले बच्चे को बिड्स एक बड़े मुंह के चौड़े डब्बे में भी ले सकते हैं डालने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, जब उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आप एक सीटिंग डेवलप करते हैं बिड्स के माध्यम से, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं, ट्राइपॉड ग्रिप डेवलप करते हैं और फाइन मोटर ग्रिप डेवलप करते हैं। तो ये सब कुछ बच्चों में आता है जब आप बिडिंग कराते हैं। तो ये बिड्स तो सब जानते हैं, बट ये आ गया, अगर बोतल में डालना आ गया, तब आप क्या करते हैं, तब जाके आप धागे में डलवाना शुरू करते हैं। जब बच्चे को धागे में भी बीड्स डालना आ गया, इतने बड़े में, वो फटाफट 5 मिनट में डाल लेता है और अब बोर हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि अब ये डालने में इंटरेस्ट नहीं लेता इस बीड्स को, बीड्स डाल के बोर हो गया तो हम क्या करें। तो चलो वो तो आप कर लेते हैं, चलो बच्चा बोर हो गया तो अभी उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी भी है, जैसे कि पेपर पेस्टिंग, वो पेपर पेस्टिंग और क्या, फिंगर पेंटिंग। लेकिन बिड्स भी और तरह के हो सकते हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले और बड़े वाले बिड्स को वो डालने के लिए जितना अटेंशन चाहिए, सस्टेन अटेंशन, तो वो बच्चे में आ गया। तो हम एक छोटा छोटा बिड्स लेंगे जिसमें कि एक बहुत पतला महीन सा तार सा धागा सा होता है, जो वो लड़कियों के ज्वेलरी सेट बनाने के लिए काम आता है। लड़की लड़का मीन्स नहीं, बच्चों के ज्वेलरी सेट्स के लिए बनाने के काम आता है या लेते हैं लोग एज अ गिफ्ट करते हैं। तो हम उसका यूज करेंगे जो कि बहुत छोटा छोटा होता है और उसमें कुछ टॉयज बने होते हैं, गुड्डा, सन, मतलब अलग अलग। तो उसको देख के बच्चा इंटरेस्ट लेता है और ये बहुत महीन पतला और एकदम छोटा, जैसे बिड्स आप गले में मोती की माला पहनते हैं, कान का इयररिंग्स पहनते हैं, वैसा ही उतना छोटा। तो जो बहुत अच्छा बिड्स है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उसको परचेज करें। और अगर ये बिड्स, बड़ा बिड्स अगर बीडिंग आपका बच्चा कर लेता है, तब आप जा कर के ये थर्ड स्टेज में इतना छोटा छोटा बिड्स में ये पतला सा तार या तांत को डालना सीखता है। इसमें बहुत अच्छा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन प्लस सस्टेन अटेंशन, सीटिंग, फाइन मोटर, पिंसर ग्रिप तक इस बीडिंग को करने से बच्चे में आएगा और इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो इसे आप अवश्य लें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और हाँ, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, ये आप करें और देखिए आपके बच्चे में बहुत बहुत चेंज आएगा। देख के करना है, ध्यान देके करो। गुड, वेरी गुड। चलो डालो डालो, जल्दी जल्दी बनाओ, डालो डालो डालो, जल्दी जल्दी बना लो। यस, वेरी नाइस, गुड बॉय, वेरी गुड। और इसे भी बनाएंगे, और इसे भी बनाएंगे। हाँ, ये पकड़ो, होल्ड इट। बहुत अच्छे, गुड। डालो डालो, देख के, हाँ बहुत अच्छा, कॉन्सेंट्रेट करके डालता है, गुड बॉय गुड बॉय। इतना बड़ा माला बना दिया ना, इतना बड़ा माला कौन बनाया, कौन बनाया, कौन बनाया बताओ? आदित्य बनाया है ना, आदित्य बनाया, गुड। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, खुश हो जाओ खुश हो जाओ। कौन बनाया, कौन बनाया, आदित्य बनाया।